After Taal movie, it was very love to see Anil Kapoor and Ash both. And the script was very good, direction was very good. ये movie तो मेरे भाई ने इसका logo बनाया. It has happened in my brother's studio, Just Right Studio. So it very the movie motivation also very good. पापा कितना कुछ करते हैं अपनी बेटी के करियर के टॉप बनाने के लिए. It has shown very touchy moments. मुझे सभी अच्छा लगा. अनिल कपूर जी का, ऐश्वर्या का, राव राजकुमार राव का, इवन दैट गर्ल आई डोंट नो हर नेम बट शी आल्सो हैज वर्क वेरी नाइस. 5 out of 5. फने कान तो बहुत बढ़िया फिल्म है और सबसे रिक्वेस्ट है कि आके देखो. आपको तो आपके सपने, जो हम लोग सब सपने के पीछे भाग रहे हैं, ओके ऐसा कोई तो है हमारे पीछे जो हम लोग का सपने को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसमें से हमारी मम्मी डैडी की बड़ी हाथ होती है. तो मुझे एक्चुअली महसूस हो रहा है कि हमारा मेरा जो डैडी की बहुत याद आ रही है और डैडी कैसे यू नो अपने खुद के सपने छोड़ के मेरे सपने के पीछे इतने रात दिन और इतना टीचर का जॉब करके कैसे बढ़ाने की कोशिश की है. और फिर मुझे ये सब महसूस हो रहा है इधर थिएटर में बैठ के. और पीहू जी का जो एक्टिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार जो हम लोग सब में जो टैलेंट है वो हम लोग के साइज़ के ऊपर, साइज़ और कलर के ऊपर नहीं है लेकिन टैलेंट के ऊपर होना चाहिए. और मैं भी ऐसा चाहता हूँ कि ऐसे जो है यू नो ऐसे सब, ऐश्वर्य जी ने भी बहुत बड़ी एक्टिंग की लेकिन पीहू जी की जो एक्टिंग है ना ऐसे देखने को मिलती नहीं है. बिकॉज ऐसे जो लोग हैं टैलेंट के हिसाब से ऊपर बढ़ते हैं. और थैंक यू सो मच एंड थैंक यू अतुल मांजरेकर जी. यस ऐश का, और वो राजकुमार के साथ इतना अच्छा केमिस्ट्री है. मुझे ऐसा मालूम ही नहीं पड़ता कि उसका अच्छे बच्ची है. क्या सुपर्ब केमिस्ट्री है दोनों की, यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये टीनेजर्स है. एंड ऑल थैंक्स टू अतुल मांजरेकर जी यह स्टोरी को लाने के लिए हम लोग के लिए. थैंक यू सो मच. 25 स्टार्स, ये 10 प्लस 25 35 स्टार्स. कोई गाना पसंद है? ओह या फुल मूवी नाइस. और मोनाली ठाकुर का जो गाना है वो जो तेरे मेरे जैसे, वो तो बहुत बढ़िया है. हम लोग गायक नहीं है, हम लोग राइटर लोग हैं, हम लोग गायक नहीं है लेकिन थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाँ जी सॉरी, हाँ फने खां इज वेरी नाइस. इट्स अ वेरी नाइस फिल्म, अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैव सीन सच अ फिल्म. बहुत ही अच्छी फिल्म, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही एंटरटेनिंग है. सब कुछ है इसमें, एंटरटेनमेंट है, म्यूजिक है, फिर थोड़ा बहुत मस्ती है, डांस है, कॉमेडी है, रोमांस भी है, और सब कुछ है यार, सब कुछ है फिल्म में, सब कुछ भरा हुआ है. सो ब्रिलियंट फिल्म. मैसेज क्या दे दिया? मैसेज एक गलत मैसेज मत देना. अगर जो फिल्म के क्लाइमैक्स से पहले होता है, जैसे ट्रेलर में हमने देखा किडनैप कर लेते हैं उनको, ठीक है वो मैसेज लेने लगा किस लिए किया गया था, किस लिए इमोशनली जब उसको एंड में लेके जाते हैं फिल्म का एंड से थोड़ा सा यू नो प्रेरणा लेना. क्लाइमैक्स क्या उसे सॉरी क्लाइमैक्स कह रहा हूँ, इंटरवल से पहले पूछते भी है उनको कि अनिल कपूर उनको, ऐश्वर्या राय को जब किडनैप कर लेते हैं कि यार आपने कभी कुछ से बड़ी सिंगर बनने के लिए कुछ ऐसा किया था क्या, बॉम्बे में यू नो ये सब होता रहता है, कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह किया था. तो बोलती कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले 2 दिन में डूब जाते हैं, ठीक है ये जो मेहनत ही है जो आगे लेके जाएगी और तुम भी इस बात को धीरे धीरे समझोगे और फिर वो हमें क्लाइमैक्स में समझ में आता है. सो विच इज़ रियली बहुत अच्छे तरीके से फिल्माया गया है. डायरेक्शन बहुत अच्छा है अतुल मांजरेकर सर, पहली फिल्म यू नो एड फिल्म मेकर है वो, बहुत पहली फिल्म बहुत ही अच्छी है उनके हिसाब से. और क्या उसे कहते हैं, म्यूजिक ओके है, बहुत बढ़िया नहीं है. एंड का जो सॉन्ग है बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा. 4 स्टार आउट ऑफ 5. थैंक यू सो मच.